तुम्हारे अतीत से नहीं। और अब देखना, हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा, ट्रस्ट मी। आज साड़ी क्यों? आज किसी का बर्थडे जो है। टिंग 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 हैप्पी बर्थडे। यू लाइक इट? ये अनु बेबी, खाने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है तुम्हें। हाँ, I love you, Samit. I love you too, Caterpillar. अनु, अब स्कूल जाने लगी हो ना, ये समित समित बोलना बंद करो। पापा बोलो, डैडी बोलो, बट नो मोर समित, ओके? कभी नहीं। कार्बन कॉपी स्माइल से तुम दोनों की। आई थिंक तुम्हें थोड़ा ज्यादा स्माइल करना चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। इट्स एन ऑर्डर, समित। Yes, ma'am. Yeah. मुस्कुराते समय इंसान के चेहरे की 42 मसल्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें लिप्स और चीक्स के अलावा नोज, ईयर्स और आईज की मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स ट्राई इट। फर्स्ट ओपन योर आईज। अब मुस्कुराकर 12 सेकंड्स उस मुस्कान को रोके रखिए। ज्यादातर लोग स्वाभाविक तौर पर मुस्कुरा पाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आप में से हर कोई नेचुरली स्माइल नहीं कर सकता। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। अपने होठों को जितना हो सके उतना फैलने दीजिए। 1, 2, 3 आईज, लिप्स, टीथ। देखिए, मुस्कुराहट आंखों से ऐसे झलकनी चाहिए मानो उनमें चांदी भरी गई हो। एक बार और, लास्ट टाइम। हाँ, आईज, लिप्स, टीथ। आनु, ये आखिरी बार है तो मेरा मेकअप छू रही है। पक्की नेशनल ज्योग्राफी की बंदर लग रही है। अन्य, हाय, इधर आ जा। आपन तो नीट करूँ यार। आए, माझी साड़ी बग, कभी ठीक से नहीं पहन पाती हूँ। देख, बगो, अगो, इरा, काय है? नमस्कार कर। रहने दीजिए समधन जी, बच्चे वही करते हैं जो उनको सिखाया जाता है, और अगर माँ ने सिखाया नहीं तो फिर आ जाए। बस बेटा, बस जीते रहो। इरा, आओ बैठो, हम ले लेंगे। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, इमरजेंसी है। इट्स ओके, तुम जाओ, मैं संभालूंगा। बाय, आई बाय।
हमेशा की तरह पुलिस से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, बट नॉट टू वरी, हमारे सोर्सेस क्राइम सीन से हमें अप टू डेट खबरें दे रहे हैं। काहे तांबे साहब, ब्रीदिंग ब्रेक है, अर्ली रिटायरमेंट वाला वार्निंग है ये। छी, काहे तरीका है डॉक्टर तांबे। या आपके फेवरेट ऑनलाइन चैनल द पल्स से मैं विकास सरोदे इस केस पर 24/7 हूँ। मेरा ऑनलाइन ब्लॉग क्राइम एक्सपोजे को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स वी आर इन दिस टुगेदर। जैन मैम, जैन मैम। मुझे भी सबके सामने मैम बोलना होगा, सलाम ठोकना होगा, है ना? अगर तुम्हारे प्रमोशन से स्टे हट गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। प्लीज ग्रो अप, कुछ काम करें। विक्टिम आइडेंटिफाई हुई? यस मैम, मिसेस बूटवाला, फ्लैट ओनर है। कोई चोरी, कोई ब्रेक इन, एनीथिंग मिसिंग? प्राइमर फेस या कुछ नहीं, बट लुक एट द स्टैब वुंड्स, काफी डीप है। मतलब पर्सनल एंगल, सबसे डीप, सबसे हॉरिबल। रिपोर्ट किसने किया? नीलम सिंह, एक नर्स है, इन्हें फिजियोथेरेपी देने आती थी, वो अंदर बिठा के रखा उसे। तुमने जो कुछ भी देखा वो बताओ नीलम। हफ्ते में दो दिन मेरे सेशंस होते थे आंटी के साथ। 9, 10। और आज क्या हुआ? आज जब मैं आई तो मैंने देखा कि मिसेस बूटवाला ने कभी किसी के बारे में तुमसे कोई बात की? मतलब किसी से दुश्मनी, किसी ने धमकी दी हो, कुछ भी? मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं था, बस एक बेटा है फरदून, वो आता है कभी कभी, लेकिन मैडम वो थोड़ा पागल ही है। किस बात का पागल है ये फरदून? पत्ते और क्रिकेट, चू और बैटिंग। चल, लेके चल। इसकी नौकरी छूटी तो इसकी बीवी ने इसे छोड़ दिया, फिर अपनी माँ का खून पीने लगा। पैसे देती थी उसे? नहीं देती तो ऐसे ड्रामे करता। और वो पिघलती थी? फैमिली ना मैडम। आना जरूरी था। अपने ही बेटे की लाइफ पे हमारी कोई राइट्स नहीं। मेरी पूरी लाइफ आपकी है, लेकिन फैमिली नहीं। प्लीज, ये विक्टिम बनना बंद कर दो। अगर मैं नहीं होती, यू वुड हैव बीन। प्लीज, लेट्स एडमिट, हम सब एक ही कश्ती पे सवार हैं। अगर किसी ने भी छेद करने की कोशिश की तो सब डूबेंगे। कभी सोचा नहीं था समित कि तुम्हारी शादी 11 साल चले, तुम्हारे बच्चा भी होगा। प्यार करती है मुझसे इरा। तुम? इरा उसी में विश्वास करती है जो उसे दिखता है, और मैं उसे वही दिखाता हूँ जो वो देखना चाहती है। इरा मैम, 17 ईयर्स पहले कोंकण डिवीजन में सारंगवाड़ी किलिंग केस हुआ था। किलर ने 7 औरतों को अपना टारगेट बनाया। कोई लूटपाट नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, जस्ट टॉर्चर एंड किलिंग। फनीली तब मैं केजी में था। आई मीन इमेजिन। तब केजी में था ना, आज सुबह क्राइम सीन से क्यों मिसिंग था? वो एक्चुअली रात भर जागा हुआ था ना सर, इसलिए। सीधा सीधा बोल ना, रात भर अमेरिकन क्राइम शोज चाट रहा था करके। अरे नो नो सर। कम 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 सर, बैठो। तो यंग मैन, तुम्हें लगता है किलर सेम है? नो सर, नॉट हिम। बाला ने 17 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था, अपने पकड़े जाने के जस्ट पहले। मैं सिर्फ इतना प्रपोज कर रहा हूँ कि उसका कॉपी कैट हो सकता है सर। आई मीन एमओ एकदम सिमिलर है, फ्रेम टू फ्रेम। अच्छा, क्या सिमिलर एमओ है? सर, दोनों हाथों के थंबनेल्स निकाले गए थे औरतों के। यहाँ पे तो सिर्फ राइट का निकाला है ना सर। सारंगबाड़ी में सारी औरतों को फिशिंग नेट से स्ट्रैंगुलेट किया गया था। यहाँ पे क्या बरामद हुआ है?
कॉटेज सर राइट लेग का एंकल भी कटा हुआ मिला दैट प्रूव्स द पॉइंट यहां पे लेफ्ट एंकल पे एक सुपरफिशियल कट है और पीठ पे 9 स्टैब वुंड्स एग्जैक्टली सर सारंगवाड़ी विक्टिम्स में किसी की भी स्टैबिंग नहीं हुई थी एंड दैट्स व्हाई निखिल सर कॉपीकैट पुअर कॉपी बट स्टिल कॉपी एक बात बता 17 साल का गैप एग्जैक्टली 2005 में सारंगवाड़ी को खुद मैंने यहां से बैकअप दिया था वो रमन राघव के बाद यही तो था जो इतना इनफेमस बना था पूरा कोंकण कांप उठा था इस केस के बारे में सुनते ही इंस्टेंटली तुमने कनेक्शन कैसे बना लिया एक्चुअली मैम एक वीक पहले तक मुझे इस केस के बारे में मालूम तक नहीं था वो मैं एक ऑनलाइन ब्लॉग आई मीन एक वीडियो ब्लॉग फॉलो करता हूं मैम सर ये ब्लॉग वॉक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे काम की बात कर लेते हैं हीरा श्योर सर सो लक्ष किसका ब्लॉग था द पल्स विकास सरोड़े का और उसके ब्लॉग का नाम क्राइम एक्सपोज है मुझे तुम्हारे इस विकास सरोड़े से मिलना है उसे ऑफिस बुलाओ Got it. Super. I mean, yes, ma'am. And Laksh, good show. Really? Vikas Sarode, correct? Yes, ma'am. The Pulse ke worldwide subscribers ko Crime Expose ke Vikas Sarode ka good morning and good evening. Coincidence bolo, ittefaq bolo ya what the fuck bolo. पिछले हफ्ते ही मैंने अपने ब्लॉग के थ्रू सारंगवाड़ी सीरियल किलिंग केस को इंट्रोड्यूस किया था जो आप सभी को बहुत पसंद आया आप सभी के हमने साइकोपैथ बाला माणी की कहानी मैंने अधूरी बताई थी और आज साइकोपैथ बाला माणी की उसी मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए एक किलिंग हुई है कहने को ये कॉपीकैट हो सकती है पर सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल में कॉपी है या 17 साल बाद वही बिल्ली लौट कर आई है पर बारह मानी तो है तो फिर आखिर ये माजरा क्या है ट्रस्ट मी दीपल इसे लेट गो नहीं करेगा क्राइम एक्सपोज़े के माध्यम से मैं विकास सरोदे इसके बॉटम तक जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला नहीं आप सब लोग हैं मेरे साथ बाड़ा भाड़े के सभी विक्टिम्स को मुश्किल केस हैं रहेंगे और इस केस की तह तक भी हम साथ पहुंचेंगे जब तक पहला ब्रेक नहीं मिलता वी आर इन दिस टुगेदर पिछले 11 साल से हमें मॉम डैड के साथ ब्रेक नहीं मिल रहा है पर मैं केस क्लोज नहीं करूंगी ट्राई करते रहूंगी एटलीस्ट आने को उसकी अज्जी का प्यार मिल रहा है दादा दादी का भी मिलेगा मेरी रेपुटेशन इज स्टिकी ऑफिसर केस पर लगी रहती हूँ फिर चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल मैं बस आई रही हेलो जल्दी आइए अब मुस्कुराना तो आपने सीख लिया लेकिन क्या इतना काफी है बिल्कुल नहीं अब वक्त है आपको अगले पड़ाव पर ले जाने का और वो है हंसी इस वीडियो में हम तय करेंगे मुस्कान से लेकर खिलखिलाती हंसी तक का सफर एक कहावत है कि हंसी हर मर्ज की दवा है लेकिन क्या ये सामने वाले पर भी लागू होती है डॉक्टर तांबे लाला पाने की विक्टिम्स की स्टडी आपने डिटेल में की थी ऑफ कोर्स पर मिसेस बूट वाला केस इज स्लाइटली डिफरेंट बाला बाने हैड अ मेथड इन हिज मैडनेस एंकल काटता ताकि विक्टिम भाग ना पाए नाखून उखाड़ता एक विकृत प्लेजर के लिए नाखून बतौर ट्रॉफी सेव करके रखता और फाइनली स्ट्रैंगुलेट करता विक्टिम को तो यहाँ का सीक्वेंस अलग यस डेथ स्टैबिंग से हुई हैमरेज से हुई है शार्प वेपन घर का किचन नाइफ मिसिंग है देयर यू आर मोस्टली स्पॉन्टेनियस किलिंग है बाकी ये एमओ सिर्फ नेम से किलर रह जाएगा
haphazard. Psychopaths normally बहुत ज़्यादा planned होते हैं और यहाँ opposite हुआ है. Anything else, doctor? Yes, Sira. Initially ये blood clot लगा. बाद में realize हुआ कि ये blood नहीं है. तो ये क्या है, doctor? Sample भेजा है lab में. आते ही message कर दूँगा. ये try करो. समित ने बनाया है. क्या खा रहे हो भाई? सही है, ट्राई कीजिए. समित ने बनाया है. लवली समित, दिस मस्ट बी 100% पंपकिन, राइट? नो. कमेंट सर, लक्ष्य सही सही बताना, चिकन है ना? ये एक्चुअली मसूर की दाल, बादाम का पाउडर, मखाना और कंदमूल का मिक्स है और साथ में मेरा सीक्रेट मसाला. सुपर डिलीशियस. बाय समित. हाँ हेलो धीरज कुमार, तुम्हें कैसे पता ये तुम्हें धमकी देने वाला बाला बाणी का बेटा अभिषेक बाणी है? हम और अभिषेक ना 3 साल एक ही रेस्टोरेंट में असिस्टेंट थे, वहीं पे रहते थे. मतलब 20x20 में एकदम चिपक कर हम उसकी नस नस से वाकिफ हैं. ठीक है, तुम मुझे कल शाम 4 बजे मालाड पार्क मिलो. हाँ, फ़ोन पर कोऑर्डिनेट करेंगे. 4 बजे हमारे लिए भी सही रहेगा. पर सुनिए जी, आपको ना आपको उस अभिषेक को पकड़ना ही होगा. उसका दिमाग बिल्कुल खराब है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कभी भी कर सकता है. हाँ ठीक है, तुम मिलो तो सही. हाँ भाई साहब, पेन है? नहीं. I am really sorry. Hi, pen mil sakti? Pen. One second. Great. Thank you. Thank. मतलब है इसका? लता बाणी. कौन है लता बाणी? मासी आई. ये पेन किसकी है? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की है. डिपार्टमेंट में कैसे आई? एक्चुअली हमारी एरा मैम के हस्बैंड समित पटेल हैं, तो उनके वर्कशॉप से दिवाली गिफ्ट्स पूरे डिपार्टमेंट के लिए. ऐसे नाइस ना डिजाइन? या नाइस. कैन आई कीप दिस? आई मीन एक रख सकता हूँ मैं प्लीज? ऑफ कोर्स, हमारे पास और भी हैं अगर आप चाहिए तो. थैंक यू लक्ष्य, आई मीन इंस्पेक्टर लक्ष्य रानडे. अच्छा मुझे अब चलना चाहिए, जरा अर्जेंट काम आ गया. अरे एक मिनट, आप जा नहीं सकते ऐसे? इरा मैम आपसे डिटेल डिस्कशन करना चाहती हैं बूट वाला मर्डर केस के बारे में. हाँ बाय द वे, मैं भी आपका फैन हूँ, कब से मिलना चाह रहा था आपसे. आपके सारे ब्लॉग्स देखे मैंने, स्पेशली वे बाला पाणी की थ्योरी क्रैक करी आपने. Really good. हाँ एक्चुअली मैं जरूर मिलूंगा आपसे. इरा मैम को भी आप कन्वे कर देना, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा. एंड यस रिमेंबर सब्सक्राइबर्स, वी आर इन दिस टुगेदर. बाय सर. बूटवाला का बेटा, उसे प्राइम अक्यूज बनाते हैं. सीधा सीधा कनेक्शन भी दिख रहा है, ये सीरियल किलिंग का एंगल ड्रॉप ही कर देते. लेकिन जस्ट फॉर एन आर्गुमेंट निकल, मानो मर्डर किसी और ने किया हो तो उसका मोटिव क्या हो सकता है कंसीडरिंग देयर वाज नो ब्रेक इन. घर में से किचन नाइफ को छोड़कर और कुछ मिसिंग नहीं था,
वैसे ही माँ और बेटे के बीच में 36 का आंकड़ा था। और ये फिजियोथेरेपी वाली लड़की भी घर आती जाती रहती थी, राइट? सर, आई थिंक हमें दोनों पर नजर रखनी चाहिए। टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट वोंट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, निकल। ये सारंगवाड़ी सीरियल किलिंग और अभिषेक बाणे के चक्कर में काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, पर आई एम वेस्टिंग माई टाइम, यू आर द बॉस। राइट, गुड बाय सर। लक्ष्य, आज तुम वो विकास सरोड़े से मिलाने वाले थे ना, कहाँ है वो? I'm sorry, ma'am. Sorry? वो actually आज आए थे, but then वो कोई काम आ गया अर्जेंट तो वो चले गए। और तुमने जाने दिया? Not done, officer. ये crime branch है, इससे important और कुछ नहीं हो सकता। Excuse me? क्या मिस्टर समित पटेल हैं यहाँ? सॉरी यार, जल्दी बंद कर रहे हैं। ये डिजाइन, ये एल और ये बी है ना? मेरा एक क्लासमेट बनाता था और ये बहुत यूनिक है पूरी दुनिया में। उसके अलावा सिर्फ मैं जानता था कि ये एल है और ये बी। मेरा स्कूल सारंगवाड़ी में था, सारंगवाड़ी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। और उस लड़के का नाम अभी था, अभिषेक बाला बाणे। कर लोगे जानकर तुम अभिषेक बाणे ही है, मुझे नहीं पहचाना। मैं मिस्टर समित पटेल से मिलने आया हूं, इंस्पेक्टर ईरा चैकर पटेल के हस्बैंड। क्या समित जी है यहाँ? क्या तुम और इंस्पेक्टर ईरा चैकर पटेल एक दूसरे को जानते हो? बैठ। नहीं, मुझे जाना चाहिए। बैठो। सरोड़े का क्राइम एक्सक्लूसिव व्लॉग कभी देखो आप? थोड़ा ओवर द टॉप है, बट ही इज रियली गुड। मिसेस बूट वाला का मर्डरर थी, उस सब्सक्राइबर लिस्ट में से ही कोई होगा। 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मैम। आई नो दैट लक्ष्य, पर नेम सर्च, आईपी सर्च कुछ तो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। फेक आईडी हो सकती हैं, वीपीएन यूज हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। फिर भी साइबर सेल को लगवा दो। बहुत बदल गया है। मैं तो पहचानता ही नहीं। पहचान तो लिया तुमने। हाँ, कैसे नहीं पहचानता?
एक साथ जो बड़े हुए हम सारंगवाड़ी में। मैम मेरा घर आ गया। देखो अभिषेक, मैं एक रिपोर्टर हूँ। पता है, मैं बिना प्रूफ के किसी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे बारे में एक अफवाह थी। 17 साल पहले जब तुम सारंगवाड़ी से गायब हुए थे, उसी दिन हमारे सरपंच की लाश मिली थी और तुम्हारे स्कूल बैग से वो कैची। तुमने वाकई सरपंच की पुलिस, सारा गांव, तुम सब यही सोचते हो ना? अरे तुम वांटेड हो तो अब तुम क्या करोगे? पुलिस स्टेशन जाओगे अपना इनाम कलेक्ट करने? क्योंकि सारंगवाड़ी के सरपंच के कातिल को ढूंढ निकाला है तूने, तू तो अब और फेमस हो जाएगा। नहीं, मुझे चलना चाहिए अब। आई डोंट थिंक सो। मुझे जाने दो प्लीज। तूने यहाँ आके बड़ी गलती कर दी। खैर, ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी गलती होगी। मैथ्स में तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स में हाफ से भी हाफ मार्क, नॉट गुड। हम एक काम करते हैं, मैथ्स में से थोड़े मार्क इनमें डाल देते हैं। आई हाय। हाउ वाज योर डे? पूछो ही मत। हाउ वाज योर्स? सेम ओल्ड। चाय? यस प्लीज। मार्क्स ऐसे शिफ्ट नहीं हो सकते, इट्स रॉन्ग, समझ लगा? तो फिर मुझे रॉन्ग पसंद है। तुम्हें पता है ना, रॉन्ग जहाँ जहाँ जाता है, पनिशमेंट भी उसके पीछे पीछे आती है, शैडो की तरह। तो फिर तुम्हें राइट ही करोगी। गुड गर्ल।